The very first reaction is quite bada sa naam hai, bhayankar sa naam hai, but reaction simple hai. And the name of the reaction is Hill, Walhard, Zelensky reaction. Hill, Walhard, Zelensky reaction. ठीक है, इन शॉर्ट इसे एच वी जेड लिख देते हैं. इस रिएक्शन की देखो नाम ही देख लो, नाम खतरनाक सा है. नाम देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी पिशाच, हाँ वो हॉरर फिल्म का टाइटल, और शॉर्ट फॉर्म ऐसा लगता है जैसे किसी वायरस का टाइटल हो. लेकिन रिएक्शन बहुत सिंपल है. यहां पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है विच कंटेन्स एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. थोड़ा सर को भाई, ये पांच लोगों की जगह है. हाँ देखो, अभी देखो इतनी जगह बन गई. यहां पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन्स एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. नाउ दिस अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद हैलोजन X2. अब X2 में मोस्ट ऑफन हम यहां पे Br2 की बात करते हैं. Cl2 की प्रॉब्लम ये होती है कि वो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कंज्यूम करने के बाद बीटा हाइड्रोजन पर भी पहुंच जाता है. आयोडीन की प्रॉब्लम होती है कि वो जनरली रिएक्ट नहीं करता. तो मोस्ट ऑफन हम यहां पे X2 के अंदर Br2 की बात करते हैं. वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वहीं रुक जाता है. Cl2 भी चलेगा बट Br2 प्रेफर करते हैं. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जब रेड फॉस्फोरस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है, यहां पर आ जाता है हैलोजन एंड वी गेट COOH प्लस HX. नाउ दिस इज अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज HVZ रिएक्शन. टेपो रेड फॉस्फोरस. लिख लिया, हाँ वो एच एक्स है. तो एच वाई श्रेय क्या हो गया बेटा, एग्जाम हो गया है तुम्हारा? ठीक है, नाउ अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द बोरोडाइन हंस डायकर रिएक्शन.
Borodine-Hundsdyker reaction. Borodine-Hundsdyker reaction के अंदर हम बात करते हैं carboxylic acid की. Let's say हमारे पास ये carboxylic acid है. ये है RCOOH. ठीक है. अब इस RCOOH को react करवाया जाता है Ag+ के साथ. Ag+ का मतलब होता है tolerance reagent. ठीक है. जब इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कंपाउंड मिल जाता है RCOO-Ag+. अब इस RCOO-Ag+ को हम रिएक्ट करवा देते हैं Br2 के साथ. ठीक है. और ये बन जाता है RBr+ CO2 प्लस ए जी बी आर. ठीक है. क्लियर. तो पहले रिएक्शन टेप ये, फिर मैं इस रिएक्शन के बारे में दो लाइनें लिखवा देता हूं. कुछ भी नहीं, नहीं होता उसका एल्डिहाइड कीटोन के साथ है. सिल्वर मिरर टेस्ट. कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज का टेस्ट है. ग्लूकोज बोरोडाइन हुंसडायकर रिएक्शन ECKER. लिख लिया, लिख लीजिए. द अल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड, द अल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड in this reaction the alkyl halide formed contains one carbon less than The alkyl halide formed contains one carbon less than the carboxylic acid. Hence, hence it is a step down or a degradation reaction. ठीक है.
It's a step down or a degradation reaction. Okay, so that is what we have as the Borodine-Hundsdyker reaction. अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटा सा high step की बात करूँगा. हम यहाँ पे अगर इस Borodine-Hundsdyker reaction के अंदर Br2 की जगह I2 use कर लें तो भी reaction होगा. अब हमारे पास है RCOO minus Ag plus. हम इसको react करवा देते हैं I2 के साथ. ये बन जाएगा Ri plus CO2 plus AgI. ठीक है. अब जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो Ri बना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बहुत वीक होता है तो ये फिर से आगे रिएक्ट कर जाएगा. और आगे रिएक्ट किससे करेगा? जैसे Ri बनेगा, ये Ri बनते ही ये रिएक्ट कर जाएगा RCOO minus Ag plus के साथ. और ये जब रिएक्ट करेगा तो हमें कंपाउंड मिलेगा RCOOR plus AgI. Now here the final product is not going to be alkyl halide. हमें फाइनली alkyl halide नहीं मिलेगा, हमें एक एस्टर मिल जाएगा. Now this reaction has another name. ये रिएक्शन आपके एग्जाम में शायद आ सकता है लेकिन इसका नाम आपके कोर्स में नहीं है, पर मुझे पता है इसलिए लिख रहा हूं. This is what we call as Birnbaum बॉम सिमोनिनी रिएक्शन. अरे ये सब नाम ही तो है यार, बोरोडाइन हुंसडायकर फेल वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन, ये सारे के सारे नाम है. ठीक है, दिस इज बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट एस्टर रादर देन अल्काइल हैलाइड. क्यों डालें? एक बार बताओ, हम आयोडीन यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर हमें रोकना हो तो वी आर गोइंग टू हैव द अल्काइल ब्रोमाइड. और अगर हमें आयोडाइड ही बनाना है तो आयोडाइड हमेशा इस तरीके से नहीं बन पाता. कुछ चीजों की रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ चीजों की लिमिटेशन होती है. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सर्टेन मेथड, सर्टेन नॉट. तो हम इतना टेढ़ा काम क्यों करेंगे? हम इससे अच्छा ब्रोमाइड ही बना लेंगे. बेटा फ्लोरिन कभी यूज ही नहीं होता. बेटा क्लोरीन इसके साथ नहीं रिएक्ट कर पाएगा. क्लोरीन यहां पे इसके साथ हेल वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन दे देगा. क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव अंडर द रिएक्शन कंडीशन. वो दूसरी कंडीशन रिएक्शंस दे देता है, इसलिए क्लोरीन यूज नहीं करते इस रिएक्शन के अंदर. If the reaction is carried out in presence of iodine, the final product is an ester instead of alkyl iodide. Yeah, aap likh sakte hain. And that's Birnbaum-Simonini reaction. Theek hai? तो ये हमने बात की अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अदर कंपाउंड्स. अब अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन फ्रॉम द एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड डेरिवेटिव से डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड्स नहीं बनते. वी डोंट फाइंड देम, वी डोंट क्रिएट देम. फिर उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. अगर हम अमीन्स की बात करते तो अमीन्स की प्रिपरेशन के अमीन्स से प्रिपरेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर रिएक्शंस, जैसे कि हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, we are going to do them and then we are going not going to have alkyl halides, we are going to have aryl halides. ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक? ठीक है, now
Having talked about the preparation from carboxylic acid, now we are going to get along with the preparation of aryl halides as well. So aryl halide ki preparation bhi hum kar lenge. जब हम aryl halide से preparation की बात करते हैं, aryl halide की preparation की बात करते हैं, तो कुछ reactions तो हम already कर चुके हैं, फिर से हम उन reactions की बात करते हैं. We have the benzene ring. इस benzene ring को हम X2 से react कर देते हैं, तो X2 की बात करेंगे, तो ये X2 Cl2 हो सकता है, ये X2 Br2 हो सकता है. अब इसको हम react करवाते हैं किसी Lewis acid के साथ. अब वो Lewis acid could be BF3, could be HF, could be FeCl3, could be Fe, could be AlCl3. अच्छा, यहाँ पे Fe की बात जब हम करते हैं, तो please understand, Fe अपने आप में कोई Lewis acid नहीं है. FeX2 के साथ react करके FeX3 बनाता है. And that FeX3 is the Lewis acid. ठीक है? Friedel-Crafts reaction में Fe use नहीं हो सकता, क्योंकि Fe यहाँ पे halogen नहीं है, तो FeCl3 नहीं बनेगा. ओके okay? यहां पर यूज हो जाता है क्योंकि Fe रिएक्ट करके FeCl3 बना देता है. और उसका रीजन ये है, हम Fe क्यों यूज करते हैं, क्योंकि Fe जब रिएक्ट करता है तो वो ड्राई FeX3 बना देता है, वरना FeX3 की टेंडेंसी होती है मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने की. तो यहां पर हमारे पास लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है X प्लस HX. ठीक है, अब अगर यहां पर हम इसमें आयोडीन यूज करें, तो आयोडीन की प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो इसके साथ एच आई बनता है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और क्योंकि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस वजह से रिएक्शन रिवर्स हो जाता है. इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इधर इन एच आई ओ थ्री और एच एन ओ थ्री. ठीक है, ओके okay? तो आयोडिनेशन के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं एच आई ओ थ्री या HNO3. This way we can prepare the aryl halides. Fluoride ऐसे नहीं बनता. ठीक है, डेप्ली रिएक्शन. हाँ जी, F2 के साथ नहीं होता, क्योंकि F2 एक ऐसा अजीब सा इंसान है जिसे अगर कहा जाएगा कि तुम्हें उस शॉप में जाकर यह सामान लेकर आना है, तो वो उस सामान को लाने की जगह बाकी सारा सामान तोड़ के आ जाएगा. लेकर नहीं आएगा, तोड़कर आएगा. तो फ्लोरीन की ये टिपिकल प्रॉब्लम है, उसको जो रिएक्शन करने के लिए कहा जाता है वो किसी की नहीं सुनता है. उसको ऐसा लगता है कि ओके, इस कंपाउंड में इतने हाइड्रोजन है, इसके अंदर इतने कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ा हुआ, उसको बुरा लगता है. वो हर किसी को तोड़ के अपने साथ जोड़ लेता है. ठीक है, जैसे एक हाइड्रोकार्बन है, फ्लोरीन आया, हाइड्रोजन कहेगा अबे तू कार्बन के साथ क्यों है, चल मेरे साथ चल. वहां पर कार्बन से कहेगा अबे ये देख हाइड्रोजन को छोड़ के चला गया, तू मेरे साथ चल. वो दोनों को साथ लेके सबको तोड़ ताड़ देता है. इंसान नहीं है ना वो फ्लोरीन है. ठीक है,
fluorine is something like ki wo kisi bhi element ko, think about it, fluorine is going to react with every element in the periodic table directly except for helium, neon, argon. Wo helium, neon, argon ko chhodkar har element ke saath directly react karta hai. कोई उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, कोई उसको हीट की जरूरत नहीं होती, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है. फ्लोरीन को बस एक चाहिए होता है कि हाँ ये है, उसके पास गया, ब्रूम खत्म. फ्लोरीन के प्रेजेंस में पानी में आग लग जाती है. हाँ, पानी में आग लगाए. सो इसलिए फ्लोरीन की बात मत करना. फ्लोरीन इस तरीके से है. मुबारक हो, जानकर खुशी हुई. HF, F नहीं. HF is not F, it's a compound of fluorine. क्या? HF की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि HF एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है. ठीक है? और तुम्हें ये किसने कहा कि वो प्लास्टिक के अलावा किसी में कंटेन नहीं होता? Who told you that? मैंने कब बताया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. प्लास्टिक के अंदर भी वो टेफ्लॉन कोटेड प्लास्टिक्स होती है. नॉर्मल प्लास्टिक के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करता. वो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता एचएफ. लेकिन एचएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सिरामिक के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो बोन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो ह्यूमन बींग को पूरा का पूरा डिजोल्व कर सकता है. डिजोल्व. एचएफ एक ऐसी चीज है कि अगर यहां पर फर्श पर डाल दिया जाए तो फर्श में छेद हो जाएगा. कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग. मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता, सिरामिक को डिसॉल्व कर लेता, बोन को डिसॉल्व कर लेता, ह्यूमन बॉडी को पूरे के पूरे को डिसॉल्व कर सकता है एचएफ. दैट्स व्हाट इट इज. और एचएफ इज द ओनली एसिड व्हिच इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग ग्लास. ग्लास को डिसॉल्व कर देता. एनीवे, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं. एचएफ कैन बी यूज्ड एज अ लुईस एसिड इन दिस रिएक्शन. एनीवे, ये हमारे पास आ गया. तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है. इसके अलावा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्काइल या एराइल हैलाइड्स बनाने का, वो है, लेट्स से हमारे पास है एनिलीन. ठीक है? इस एनिलीन को हम रिएक्ट करवा देते हैं NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक है? यहां पे एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है HNO2 के साथ. ओके? जब HNO2 के साथ ये रिएक्शन होता है तो ये बना देता है N2 plus Cl minus. This compound is benzene diazonium chloride. This is benzene diazonium chloride. अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम काफी सारी चीजों के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं. अगर हम इसे रिएक्ट करवा देते हैं CuCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यह बन जाता है बेंजो नाइट्राइल. साइनोबेंजीन भी बोल सकते हो, बेंजो नाइट्राइल भी बोल सकते हो. IUPAC नेम इज बेंजो नाइट्राइल. ठीक है? अगर इसको रिएक्ट करवा दिया जाए CuCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बना देता है क्लोरोबेंजीन. ठीक है? अगर इसको रिएक्ट करवा दिया जाए CuBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये बना देता है ब्रोमोबेंजीन. ठीक है? नाउ दीज रिएक्शंस, हां मैं अक्सर उनको मिट्टी में बोलता हूं, सैंड में. तो दीज आर कॉल्ड सैंड मेयर्स रिएक्शंस. हां, कॉपर इज अ कैटलिस्ट हियर. ठीक है? क्यूपरस क्लोराइड इज अ कैटलिस्ट हियर. एक और साइंटिस्ट ने कहा कि हमें यहां पर इसे कॉपर हैलाइड लेने की जरूरत नहीं है. कॉपर हैलाइड कैन बी मेड राइट इन द रिएक्शन मिक्सचर. तो हम इसके अंदर कॉपर भी ले सकते हैं कॉपर हैलाइड की जगह. ठीक है? तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब भी बन जाएगा Cl. ठीक है?
हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सी यू इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर, तब भी बन जाएगा बी आर, ठीक है। और इसे गटर में रिएक्शन बोलते हैं, गटर में नहीं तो है, हाँ जी क्या कैटरमैन कॉच अलग है, वो गैटरमैन रिएक्शन लगे। अब यार एक बात बताओ, पूरी जिंदगी में एक आदमी एक रिएक्शन करके फिर अपने आप को गोली मार लेगा क्या? वो दो रिएक्शन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना, करने दो उस बेचारे को। और नहीं जी हम नहीं मानते, तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन में था, ये यहां कैसे हो सकता है? अब गैटरमैन है भाई, दैट्स अ गैटरमैन रिएक्शन। जब आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन बड़ा शराफत सा, वो कहता है यार छोड़ यार, मेरे को इतने ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओ और ये के आई के साथ रिएक्ट करवाओ, ये आयोडोबेंजीन बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये सारे के सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जबकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेटा यहां पर ये रिप्लेस हो रहा है, ये बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, यहां अटैक हो रहा है, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इट क्रिएट्स अ वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, इसलिए यहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। अब एक बार देखो ना, सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दिस इज अ वे ऑफ डूइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन, इज इट क्लियर? You are absolutely right. Benzene as such electrophilic ही show करता है, ये electrophilic reaction है, ठीक है। अब एक और खतरनाक सा reaction है हमारे पास है N2 plus Cl minus, benzene diazonium chloride। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है HBF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, यू मे कॉल इट टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड और फ्लोरोबोरिक एसिड। इस फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर यह कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस BF4 माइनस में, ठीक है, ओके। दिस कैन बी टर्म्ड एज बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इस बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर हीट कर दिया जाए तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ठीक है, दिस रिएक्शन आल्सो हैज अ नेम, वो कोर्स में आपके नाम तो नहीं है, दिस इज बाल्स शीमन रिएक्शन, दिस इज बाल्स शीमन रिएक्शन। Now this is the only method of preparation of fluorobenzene, और कोई method नहीं है। टेबल ये सारे reaction, चिप गया
और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल क्लास है। बात है, फिर तो फ्राइडे को भी नहीं आएगा। क्यों, किसने का छुट्टी होगी? देखो बेटा, या तो छुट्टियां मना लो या एग्जाम दे लो, छुट्टी वुट्टी कोई नहीं होगी। किस बात की छुट्टी? क्यों, कोई छुट्टी नहीं है। साउंड प्रूफ रूम इसलिए बनवाया कि पटाखे बजते रहे तो कोई दिक्कत ना हो। ओके, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स की। अब जब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ पूछना है आता किसी ने? या पेन का पूरा डब्बा पीछे पड़ा है। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके ना, कुछ पूछना है यहां तक किसी ने? चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं किसी भी चीज की, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी टॉक अबाउट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड, एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन द इंटर पार्टिकल फोर्सेस, कि दो पार्टिकल के बीच में कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं जिस पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, पहले सबसे पहले चलो हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस की ही बात कर लेते हैं। आज सच अगर हम अल्काइल और एराइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स आर सपोज टू बी पोलर एंड दे आर पोलर, लेकिन इनकी डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो जब भी हम अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स के इंटर पार्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर पार्टिकल फोर्सेज एज द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। तो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं वो सरफेस एरिया डिपेंडेंट है, दीज आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। तो जैसे जैसे अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स का साइज बड़ा होता चला जाता है, इनके इंटर पार्टिकल फोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी, उसका कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज प्योर ऑब्जर्वेशन। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जब हम बात करते हैं एक अल्काइल हैलाइड की आर एफ, आर सी एल, आर बी आर एंड आर आई, आज तक आपने जब भी कभी, शायद अगर कभी डायपोल मोमेंट की बात की होगी, डायपोल मोमेंट की बात की होगी, तो डायपोल मोमेंट के अंदर आपने हमसे हमेशा ये देखा होगा कि यहां पे चार सेपरेशन ज्यादा, इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा, इसका चार सेपरेशन कम है, इसकी डायपोल मोमेंट कम है। ठीक, यहां एक छोटे से पंगा है और वो ये कि यहां पर डायपोल मोमेंट सिर्फ चार सेपरेशन डिपेंडेंट नहीं है, डायपोल मोमेंट डिपेंड्स इवन ऑन द बॉन्ड लेंथ। तो जब डायपोल मोमेंट का ऑर्डर की बात करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर CH3F, वी फाइंड CH3Cl actually has a higher dipole moment than CH3F, which has a higher dipole moment than CH3Br, which has a higher dipole moment than CH3I. ये order याद रखना। क्योंकि ये order आप examination में predict हरगिज नहीं कर पाओगे। अरे भूल जाओ उसे, ये है observed fact। वो तो मैंने रीजन बना दिया क्योंकि और कोई रीजन बनता नहीं है।
हमारे पास डायपोल मोमेंट इज चार सेपरेशन मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ। अब चार सेपरेशन ऑब्वियसली कार्बन फ्लोरीन में ज्यादा होगा, तो कार्बन क्लोरीन का अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो इफेक्ट तो बॉन्ड लेंथ का ही पड़ रहा होगा ना, ठीक है। केमिस्ट्री वाले इस चक्कर में नहीं पड़ते, ओए ये कैसे हो गया, केमिस्ट्री वाले कहते हो गया ना, अब सोचते हैं क्या करना है, हमें उस चीज को जस्टिफाई करना है, डिबेट नहीं करना। इज दैट क्लियर? टिप लो यार। क्लियर? ये तो हमने अल्का ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की बात की, डायपोल मोमेंट की बात की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर फैक्टर विच वी कॉल एज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, हैलोजन का नंबर बढ़ेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हैलोजन का बड़ा एटम होता है। अब बात करते सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के अंदर मोस्ट ऑफन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड द सॉल्युबिलिटी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस इन विच द मॉलिक्यूलर साइज इज नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल, दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। मीथेन डिसॉल्व नहीं होता, पॉलीमर्स डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। ग्रेफाइट डायमंड डिसॉल्व नहीं होते, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? और जब हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर से, तो कोई भी सब्सटेंस पानी में सिर्फ और सिर्फ दो रीजन की वजह से डिसॉल्व हो सकता है, कोई तीसरा रीजन नहीं है, ठीक है। क्या रीजन है बताओ? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का रीजन पूछ रहा हूं भाई मैं। हाँ जी, एक देखो, अ सब्सटेंस कैन बी सॉल्युबल, मैं ये नहीं कह रहा विल बी सॉल्युबल, आई एम सेइंग कैन बी सॉल्युबल। अ सब्सटेंस कैन बी सॉल्युबल इन वाटर ओनली इफ सैटिस्फाइज वन ऑफ दीज टू कंडीशंस। वन, इट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, पहली। और दूसरा, इट डिसोशिएट्स इन वाटर टू फॉर्म आयंस,
so that ion-dipole interaction can be formed. अगर कोई सब्सटेंस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता और पानी में डिसोसिएट करके आयंस नहीं बना सकता तो सोचना भी मत वो सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, क्लियर. लेकिन इससे पहले कि हम ये बोले कि कोई सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल है या नहीं, ये भी तो समझना पड़ेगा सॉल्युबल हम किसे बोलते हैं. हाउ डू वी नो ये सॉल्युबल है? अब थोड़ा सा डिजॉल्व हो गया जी. अभी तो अगर पानी के अंदर, अगर आप मिट्टी के तेल की बोतल के अंदर पानी डाल दो और फिर उसको पानी को निकालो तो पानी के अंदर मिट्टी के तेल की महक आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? मिट्टी का तेल पानी में सॉल्युबल हो गया. अब वो ऊपर तैरता है लेकिन फिर भी महक तो आ जाती है. तो व्हाट वी से, हाउ वुड वी से दैट इट इज सॉल्युबल और नॉट? तो अब ध्यान से सुनो. इफ अ सब्सटेंस इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर or higher in water, it is considered soluble. तो जिसका 0.1 molar या higher concentration बन सकता है उस substance को हम soluble बोलते हैं. समझ आ गई बात? ठीक है, पहली चीज. यार सॉल्यूबल का मतलब होता है अच्छी तरह मिल रहा है. सॉल्यूशन का मतलब है होमोजेनस. ये नहीं कि तुमने मिट्टी डाल के उसको घुमा दे, देखो घूम गई मिट्टी, चार चम्मच मिट्टी मैंने घुमा दी, वो नहीं होता. सॉल्यूबल का मतलब होता है क्लियर सॉल्यूशन, होमोजेनस. अगर वो 0.1 मोलर या उससे ज्यादा बन सकता है तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूबल है. क्लियर. अगर किसी सब्सटेंस का 0.1 तो नहीं बन रहा पर 0.01 बन जाता है, यानी कि 0.01 और 0.1 के बीच की कॉन्सेंट्रेशन उसकी बन जाती है, वी कॉल इट पार्शियली सॉल्युबल. और अगर 0.01 मोलर नहीं बनता तो वी कॉल इट स्पेरिंगली सॉल्युबल. इसी को हम इनसॉल्युबल बोलते हैं. ठीक है, एज सच कोई चीज इनसॉल्युबल नहीं होती, स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है. बट हमारे लिए उससे फर्क ही नहीं पड़ता. और फर्क सिर्फ तभी होता है जब उससे फर्क पड़े, तो जब हमें फर्क नहीं पड़ रहा तो वो ठीक है. इज दैट क्लियर? ठीक. तो अल्काइल हैलाइड्स कोई से भी हो, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर, एंड दैट इज व्हाई ऑल अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैंने वो कंडीशन लिखवा दी कि कोई सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल क्यों हो सकता है. नहीं लिखवाई ना, लिखो. फॉर अ सब्सटेंस, पहले सॉल्युबल का मतलब समझ में आ गया ना, वो तो ना लिखवाऊं. ठीक है, लिखो. फॉर अ सब्सटेंस टू बी सॉल्युबल इन वाटर, फॉर अ सब्सटेंस टू बी सॉल्युबल इन वाटर, इट मस्ट सैटिस्फाई It must satisfy at least one of the two conditions. It must satisfy at least one of the two conditions. First one, it should form hydrogen bonds with water. It must form hydrogen bonds with water. And second, it must dissociate in water It must dissociate in water to form ions so that
ion-dipole interactions. So that ion-dipole interactions can take place. बेटा देखो मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डिसॉल्व हो जाएगा. मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगा. समझो इस बात को. ये कोई बात नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता डिसॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है. पर यह हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, डिसोसिएशन नहीं हो सकता, यह डिसॉल्व नहीं होगा, यह कंफर्म है. ओके ये दो कंडीशन ये नहीं बता सकती कि पानी में डिसॉल्व होगा. ये दो कंडीशन ये बता सकती है कि पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, इज इट ओके? तो अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ना तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ना डिसोसिएट करके आयंस बना सकते हैं. बिल्कुल हो सकता है और होता है. बेरियम सल्फेट आयनिक सब्सटेंस है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता. सिल्वर क्लोराइड आयनिक सब्सटेंस है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयनिक सब्सटेंस है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता. तो यहां पे हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की, कि भैया थियोरेटिकली इसको डिसॉल्व होना चाहिए क्योंकि आयंस बना सकता, पर डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर जो लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाती है, लैटिस टूटता नहीं है. ठीक है, तो वो दूसरी कंडीशन की बात हम तब करते हैं जब ये दो कंडीशन में से कोई सेटिस्फाई हो रही हो. अब जैसे कि एक और बात, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं उनमें भी एक प्रॉब्लम है. जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ती चली जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है. ओके तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन एनिलीन शुड बी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, NH2 है उसमें, तो हम क्या बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ द लार्ज सर्फेस एरिया, द वीक वैन ऑफ ऑल फोर्सेज बिकम मोर इंपॉर्टेंट दैन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एनिलीन इज नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, या द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट एबल टू कंपनसेट. ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पानी में सॉल्युबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकते हैं लेकिन कार्बन चेन इतनी लंबी है कि वो इफेक्ट उसका डोमिनेट कर जाता है. इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? तो वहां पर हम बात करते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है, तो ये बात होती है सॉल्युबिलिटी की. ठीक है, अच्छा अब एक और बात करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेंसिटी. डेंसिटी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं डेड सिटी सुनाई देगा. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ द अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, देखो डेंसिटी जब भी हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं उसकी दो डेंसिटीज होती हैं, ध्यान रखना इस बात का. एक डेंसिटी होती है गैशियस फेज में. ओके, अब गैशियस फेज की एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है. वन मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इन द गैशियस फेज ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली द सेम वॉल्यूम. क्या हुआ? एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है, अब इस वजह से गैशियस फेज में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी सीधा सीधा मोलर मास डिपेंडेंट हो जाती है और कुछ नहीं है. जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी गैशियस फेज में डेंसिटी ज्यादा. ठीक है, तो लिख लीजिए. वन मोल ऑफ एवरी गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर One mole of every gas at a specific temperature or constant temperature and pressure
occupies exactly the same volume. Occupies exactly the same volume. Hence, the density of a compound, hence the density of a compound in gaseous phase, hence the density of a compound in gaseous phase depends only on its molar mass. ठीक है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा. ठीक है, लेकिन अगर हम सॉलिड या लिक्विड फेज की बात करते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूल की अपनी वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाती है. ठीक है, वहां पर अगर हम लिक्विड या सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पे कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हर मॉलिक्यूल को नहीं दी हुई ना. गैशियस फेज में तो हर मॉलिक्यूल को एक फिक्स वॉल्यूम दे दी जाती है, चाहे वो वॉल्यूम को भरे या ना भरे. इनफैक्ट भरता तो कभी नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा दी जाती है. लेकिन लिक्विड कहते हैं तो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, अब एक मोल ऑफ एवरी लिक्विड डजंट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम. किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है. तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं या सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक छोटे से कंसेप्ट की बात करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास का सीधा सीधा मतलब यह है, दिस इज द मोलर मास. You may call it molar mass, you may call it molecular mass. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, divided by atomicity. Atomicity is the number of atoms in a molecule. ठीक है, for example, let's say we talk about methane. Methane के अंदर आ जाएगा ये 16/5. ठीक है, इथेन C2H6 ये आ जाएगा 30/8. ठीक है, देन वी कैन हैव प्रोपेन, दिस इज इक्वल टू 44/11. ठीक है, अब एक चीज देखो, दिस वैल्यू इज हाउ मच, 3.2. ठीक है ना, this value is how much, 3.75. how this value is 4/11, iska molar mass 44 hai na. 12 3s + 8 क्या हुआ, कुछ भी. आज मैं एक पेपर चेक कर रहा था, वहां पर स्टूडेंट ने लिख रखा था 3 × 2 = 5. IIT का स्टूडेंट है, 3 × 2 = 5. गुड, होता है क्यों? IIT में बेवकूफ नहीं होते क्या? IIT के लिए पढ़ाई कर रहा है. अच्छा फिर ठीक है ना. अच्छा तुम अपने से कंपेयर कर रहे थे, मुझे नहीं पता था. ओके फाइन, कोई बात नहीं. अब यहां पे एक चीज देखो, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन द कार्बन चेन लेंथ, द एवरेज एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग. ठीक है, द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. तो अगर हम इनकी डेंसिटीज की बात करते हैं तो ये डेंसिटी इंक्रीज करे. लेकिन एक चीज और नोटिस करना, यहां पे 3.2 से 3.75 हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस 0.55 का है. 3.75 से 4 हो गया, डिफरेंस इज 0.25. तो जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ती चली जा रही है, डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन डेंसिटी का इंक्रीज कम होता जा रहा है.
And what we find is that if you talk about very long chain hydrocarbon, inki density almost same hi hai. Near about 0.8 gram per centimeter cube. So sare ke sare hydrocarbons ki density water se kam ho jati hai. Jaise petroleum wagera ki agar hum baat karte hain. यहाँ पे अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के अंदर एवरेज आ जाती है और फिर हर इंक्रीज के साथ वो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है हाइड्रोजन की परसेंटेज कम होती जा रही है हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है कार्बन से तो इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बट एवरी इंक्रीज के साथ वो परसेंटेज इंक्रीज कम होता जा रहा है ठीक है इज दैट क्लियर चलिए अच्छा एक बात बताइए हमारे पास है CH3I हमारे पास है CH3CH2I वी हैव CH3CH2CH2I कुड यू अरेंज दीज कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन द लिक्विड स्टेट आयोडीन का मोलर मास 127 होता है आयोडीन का मोलर मास 127 होता है मैंने कुछ नहीं बताया आपको मैं लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं लिक्विड फेज में आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है और एवरेज एटॉमिक मास के लिए आपको एटॉमिक मास चाहिए होगा चेक इट आउट मैंने ये कहा क्या कि चेन बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ती है डिड आई से दैट मुझे याद नहीं आता एक बार चेक करके देख लो मैंने कहा है या नहीं कहा है हाँ भाई आया कुछ आंसर Iodine is 127. फिर अब यहां पे बट कहां से आया आरुषि यू आर मिसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हमने कार्बन चेन लेंथ को इंक्रीज किया था हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कम कर रहे थे कार्बन की परसेंटेज बढ़ा रहे थे कार्बन की डेंसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है और इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी जब हम अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं
तो हम यहां पर हैलोजन तो उतना ही रखा हुआ है, कार्बन बढ़ाते चले जा रहे हैं, कार्बन की परसेंटेज, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, हैलोजन की परसेंटेज कम कर रहे हैं। हैलोजन की डेंसिटी कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा है, समझ आ रही है बात? ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कि हमारे पास एक क्लास है और हम उसके एवरेज मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट है, कुछ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट है, कुछ ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट है। अगर हम ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट की का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो एवरेज बढ़ती चली जाएगी, और अगर कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का नंबर बढ़ाएंगे तो एवरेज कम होगी। तो ऐसा थोड़ी ना कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे तो एवरेज बढ़ेगी। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कौन से नंबर और कौन से काइंड ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा मार्क्स वाले का बढ़ा रहे हैं या कम मार्क्स वाले का बढ़ा रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि एवरेज बढ़ेगी या कम होगी। इज दैट क्लियर? क्या हो गया बोलो, कोई कंफ्यूजन प्रेरणा? जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ती चली जा रही है, अल्काइल आयोडाइड की लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कम होती चली जा रही है, CH3I की सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। इज दिस क्लियर सिद्धांत? आई थिंक उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है। ठीक है, कृपया अपनी चोंच घुसाना बंद करो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेंसिटी। ठीक है, now we are going to talk about the chemical properties, the chemical properties of alkyl and aryl halides. yahan tak kisi ne kuch bhi puchna hai to puch lijiye. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ रिएक्शन कॉल्ड, देखो मैं उस सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं जिस सीक्वेंस में बुक में रिएक्शंस दे रखे हैं, आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट सीक्वेंस, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने खत्म तो सारे ही करने हैं। वी आर फर्स्ट, हाँ क्या चैप्टर्स का नहीं, मैं रिएक्शन लेके चलूंगा। ऑफकोर्स हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड का एक टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, और ऑलमोस्ट हर जगह हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, यही रिएक्शन होते हैं। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन काइंड ऑफ रिएक्शन, जैसे कि फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन, एक सीधी सी बात है, यहां पर हमारे पास है आर एक्स। नाउ हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, और हमें NCERT 11th क्लास 8th चैप्टर में यह कहा जाता है कि अगर हम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा के उसकी जगह एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें तो दैट विल बी टर्म्ड रिडक्शन। ठीक है, यहां पर हमारे पास बड़ा प्यारा सा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो अगर हम यहां से हैलोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दें तो दैट विल बी टर्म्ड रिडक्शन। ठीक है, इज इट ओके? तो यहां से हमें इसमें से हैलोजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है एंड दैट वुड बी कॉल्ड रिडक्शन, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। अब इस रिडक्शन के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये है रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन कौन से डाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर चल जाता है H2NI,
यानी कि कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन अल्काइल हैलाइड्स के लिए वर्क करता है, ठीक है, कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना, फ्लोरो एल्केन के लिए नहीं। ये जितने भी रिएक्शन हम बात करें वो फ्लोरो एल्केन के लिए नहीं है। अल्काइल क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। आयोडाइड बड़ी खुशी से रिएक्ट करेगा, बट फ्लोराइड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। फ्लोरीन सबको रिप्लेस कर देता, फ्लोरीन को कौन रिप्लेस करेगा? दूसरा, वी कैन हैव LiAlH4। इस LiAlH4 में जो स्पीशी अटैक करने वाली है वो H माइनस है, हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन हैलाइड आयन को धक्का मार के निकाल देता है, उसकी जगह चिपक जाता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एच माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल जो हैलाइड को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर मैं आयोडाइड की बात करता हूं तो उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड भी चल जाता है आयोडाइड के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है। फर्दर, हमारे पास एक स्पीशी है जिसे हम बोलते हैं मेटल विद एच प्लस, मेटल विद एच प्लस, ठीक है। अब मेटल विद एच प्लस के अंदर होता है, यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एच प्लस नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल है, ओके। मेटल जितना ज्यादा हम स्ट्रांग लेते चले जाते हैं, एच प्लस का सोर्स हम उतना वीक लेते चले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फेमस स्पीशी है, यहां पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं सोडियम, और सोडियम अगर यूज करते हैं तो हम कहते हैं C2H5OH अल्कोहल। अगर हम यहां पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम यूज कर लें तो यहां पर एच प्लस का सोर्स थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। अल्कोहल इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एच प्लस, अल्कोहल इज नॉट एसिडिक एट ऑल। तो यहां पे अगर हम मैग्नीशियम यूज करते हैं तो यहां पे पानी ले लेते हैं। अगर हम यहां पे जिंक लेते हैं तो जिंक के साथ हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। अगर हम यहां पे टिन या आयरन लेते हैं तो फिर यहां पे HCl ले लेते हैं। अब एक चीज साफ साफ देख सकते हो, पोटेशियम पटाखा बजाना है क्या? हमें रिएक्शन करना, मजे नहीं लेने। जैसे जैसे हम मेटल ज्यादा रिएक्टिव लेते चले जा रहे हैं वैसे वैसे एच प्लस का सोर्स हम वीक लेते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हम एच प्लस का सोर्स बेटर लेते चले जा रहे हैं, यानी कि मोर एंड मोर एसिडिक हम लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कंफ्यूजन? अब चलिए एक काम करते हैं, ये जो रिडक्शन बाय द मेटल है इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि आखिरकार मेटल रिडक्शन करता कैसे है। आज हम ये मैकेनिज्म तो समझ ही सकते हैं। देखो, वी हैव द अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल ले सकते हो, सबका मैकेनिज्म सेम है। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी मैग्नीशियम के पास दो है लेकिन वो फिर भी अनपेयर्ड हो जाते हैं। ये सोडियम हैलोजन से कहता है वही तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दे सकता हूं। हैलोजन कहता है यार दे दे, ये कार्बन बड़ा कचकच करता है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता, कार्बन देने को राजी नहीं है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है। हैलोजन कार्बन से कहता है देख यार तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, बड़ी मुश्किल से तो तूने इलेक्ट्रॉन दिया था, मुझे नहीं चाहिए तेरा इलेक्ट्रॉन, तू अपने पास रख,
मेरे को सोडियम से इलेक्ट्रॉन मिल गया, मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं उसके साथ बॉन्ड बना लूंगा। कार्बन को समझ में नहीं आता ये हो क्या गया, कि सोडियम आया, उसने हैलोजन को कुछ बोला और हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना। अब ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, दिस डॉट डजंट मीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस डस टेल्स अस कि इसके पास एक एक्स्ट्रा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये NaX निकल गया। एक सोडियम ने हैलोजन को निकाल दिया, दूसरा सोडियम कहता है यार मेरे पास मौका है अब। इस कार्बन के पास आता है सोडियम और कहता है कार्बन इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तेरे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दूंगा। कार्बन कहता है हाँ यार मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन दे दे। कहता लेकिन एक शर्त है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर तुझे रखना पड़ेगा, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, कार्बन पहले समझ नहीं पाता, कहता पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा देख लेंगे क्या होगा। कहता चल दे दे, ये बना देता है आर, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये Na। सोडियम तो पॉजिटिव चार्ज ले लेता, पूरा नेगेटिव चार्ज कार्बन को दे देता है। कार्बन एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसे खिलौना चाहिए, जिद करनी है, और सबसे बड़े वाला खिलौना चाहिए। ठीक है, मम्मी ने जिद मानते उसको बड़े वाला खिलौना दिला दिया, फिर मम्मी जो है वो खिलौना लेके चलने लगी, तो बच्चा कहता मैं लूंगा, मैं उठाऊंगा उस खिलौने को। मम्मी ने कहा बेटा तुझसे नहीं उठेगा, घर जाके खेल लो। नहीं, यहीं उठा के लेके जाऊंगा। मम्मी ने गुस्से में आके ले पकड़, अब जब पकड़ लिया तो अब चला भी नहीं जा रहा उस खिलौने को उठा के, तो फिर बच्चा पता है क्या करता है, खिलौने तो पकड़ के रखता, फिर कहता मम्मी गोदी। अब खिलौने को भी उठाओ और उसको भी उठाओ। वो हाल कार्बन और हाइड्रोजन का है। ये दो नमूने ऐसे हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे दो तो उठाए ही नहीं जाते, फिर खुद उठ जाते हैं। और यहां पे देखो ना, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये हड़बड़ा गया। अब पता ये क्या करता है, जैसे ही ये बनता है ना, ये ढूंढता है कहीं से भी पॉजिटिव मिल जाए, मुझे कहीं से भी कैसा भी पॉजिटिव मिल जाए मैं उसी से गले मिल जाऊंगा। ठीक है, अब पॉजिटिव हमें यहां पे कहां मिलेगा, हमने क्या किया, सोडियम नहीं, सोडियम न्यूट्रल है, सोडियम तो पॉजिटिव यहां पे मिला, और सोडियम में तो उसको कह रहा है ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, आई एम नॉट गोइंग टू बी विद यू। अब वो कोई और पॉजिटिव ढूंढ रहा है जो कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन ढूंढता है। हाइड्रोजन भी ऐसा ही है ना, एक जैसे लोग मिल जाते खुश रहते हैं। ठीक है, हमने यहां पे डाल रखा है अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास है आर माइनस Na प्लस, ये रिएक्ट करता है HOC2H5 के साथ। हमने इथेनॉल डाल रखा है, ऐसा कुछ बात नहीं, इथेनॉल डालना है हमें, H प्लस डाल सकते हैं किसी भी सोर्स से। अब पंगा ये है कि अगर हमने यहां पे कोई एसिड डाल दिया तो सोडियम इसके ऊपर अटैक करने की जगह पहले इसी पे अटैक कर जाएगा। सोडियम भी क्या कहेगा कि मैं कार्बन से पंगे लूं क्यों, जब मुझे H प्लस मिल रहा है, उसको निकालने के लिए कोई और एनायन मिल रहा है, कार्बन पे क्यों अटैक करूं। तो ये यहां पर ये अटैक करेगा इस पर माइनस, ये बॉन्ड क्लीव होगा और ये अटैक कर जाएगा इसके ऊपर। आज सच ये आयनिक कंपाउंड है तो डिसोसिएटेड ही रहता, पर ठीक है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बन गया आर एच और ये बन गया C2H5O-Na+। This is the mechanism of reduction. ठीक है जी, टेप ये।
ਹੁੰਦਾ लिख लिया सारा। यहां तक कुछ पूछना है? ठीक है।